तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपने BS6 वाले जितने भी वीडियोज हैं रिलेटेड BS6 हिमालयन नहीं देख रखा तो आई कार्ड पर लिंक आ रहा होगा, जाके देखिए आप वीडियो को। बहुत ही अच्छा वीडियो बना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना है। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टॉप ट्रैक विच इज फ्रॉम जाना इंटरनेशनल एंड क्या क्या इसके प्रोज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स है, आपको लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। Finally, I've installed this top rack from Jana, which is built for Himalayan BS6. Badging of Himalayan over here. This is the logo of Jana. एक जो टॉप रैक है वो छोटा वाला आता है, विच इज अराउंड 1850 रुपीज, एंड दिस इज फॉर 2200 है, क्योंकि ये वाला जो है काफी उससे बड़ा है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ टफ स्टील, दिस इज नॉट एल्यूमिनियम। एंड ये जो आप टेक्सचर यहाँ पे देख रहे हो, ये गन पाउडर कोटिंग नहीं है बिल्कुल, ना कोई पेंट है, ये प्लास्टिक कोटिंग है जो कि काफी एक मैट फिनिशिंग देती है। और लुक इसका बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा। The fitting for this top rack is very simple, very easy. Unscrew the stock plate जो कि हिमालयन के साथ आपको मिलती है, BS6 वाले के साथ जो प्लेट मिलती है। मैंने ट्राई किया था कि वो प्लेट के ऊपर ही इसको माउंट करने का, लेकिन प्लेट के ऊपर अगर मैं माउंट करता हूँ तो ये वाला जो जगह है थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गया होता है ये स्क्रू जो है। एंड एज यू कैन सी दिस इज द बुश, एंड ये बुश को कसने के लिए, टाइटन अप करने के लिए नट, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अंदर की तरफ ये इस तरीके से माउंट होता है यहाँ पे। And let me tell you, this is very easy to fit and the quality and the toughness of this material is very impressive. मुझे लगा नहीं था कि इतना tough material का ये देंगे। This weight around 1 kg. The weight of this carrier, stock carrier of Himalayan BS6 is 7 kg and 5 kg to 6 kg will be a safe side जो आपको इस top rack पे mount करना चाहिए। यहाँ पे आपको bungee cords बांधने के लिए यहाँ पे बहुत सारे mounts दे रखे हैं, बहुत सारे ये गैप्स दे रखे हैं जिसके थ्रू आप इजिली माउंट कर सकते हो। यू कैन फिक्स अ टॉप बॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, जो कि ये कंपनी रिकमेंड करती है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एल्युमिनियम का टॉप बॉक्स अगर फिट करता हूँ तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात ये है, ये स्टॉक कैरियर है, ये 7 kg बियर कर सकता है, एंड आपका टॉप बॉक्स जो होगा एल्युमिनियम वाला वो 5 kg का होगा। सो इमेजिन इफ यू विल माउंट अ 5 kg ऑफ लोड उस टॉप बॉक्स के अंदर, कम से कम तो 3 से 4 kg रखने वाले हो, उससे दिक्कत क्या आई है बहुत सारे कस्टमर्स को मैंने देखा है। यहाँ पे ये जो आपका रैक है ये नीचे की तरफ बेंड हो गया, एंड प्रॉब्लम यहाँ से आने लगी कि यहाँ पे जो है ये वाला बेंडिंग जो पोर्शन है यहाँ पे क्रैक्स आने लगे बहुत सारे को मैंने देखा है। दिस स्टॉक कैरियर इज़ नॉट मेड फॉर द टॉप बॉक्स विच इज़ ऑफ एल्युमिनियम, द हार्ड टॉप बॉक्स, दिस इज मेड फॉर द सॉफ्ट लगेज विच इज़ ऑफ प्लास्टिक और मे बी सॉफ्ट लगेज बैग हो सकता है आपका, उसके लिए बनी है। सो आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप एक सॉफ्ट लगेज पर माउंट करो। इफ़ यू वॉन्ट अ हार्ड लगेज केस, सो यू गॉट अ पैनियर फॉर दिस, आप पैनियर माउंट कर सकते हो विच इज ऑफ एल्युमिनियम। एंड फॉर माउंटिंग द लगेज ऑन द टॉप इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड दैट यू यूज अ सॉफ्ट लगेज, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक कैरियर है वो 7 kg वेट बियर कर सकता है। अगर आप हार्ड केस अगर माउंट करते भी हो, बहुत लोग मैंने देखा भी माउंट करते हुए, एक्सट्रीम ऑफ रोड में 99.9% चांसेस होता है आपका कैरियर क्रैक हो जाने का। सो वो रिस्क नहीं लेने का आप वाटर प्रूफ बैग खरीद लो, जो कि मैंने खरीद रखा है, उसका भी रिव्यू वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी, दिस इज़ वेरी इजी टू फिट। बहुत सारे टॉप रैक में क्या होता है, वेल्डिंग करवाओ, ड्रिल करवाओ, उसके बाद फिर आप टॉप रैक इंस्टॉल करो। मुझे बड़ा बैग इस पर माउंट करना था इसलिए मैंने बड़ा वाला ऑर्डर किया है। कैसा परफॉर्म करती है वो आपको स्पीति वाले राइड में को पता चल जाएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैंने वो जो जुगाड़ वाला जो टॉप बॉक्स मैंने छोटा सा क्यूट सा जो लगा रखा था उसको मैंने क्या किया, उसको टेम्प्रोरी मैंने रखा हुआ है खोल के, तो ये मुझे उतना ज़रूरत नहीं पड़ने वाली इसकी, क्योंकि छोटे वाले टॉप बॉक्स में बहुत सारे एक्सेसरीज मेरे रखा सकते थे। एंड जाना का एक पूरा असेंबली आता है कैरियर के साथ, बहुत लोग उस पर टॉप बॉक्स माउंट करते हैं, बहुत लोग रिकमेंड भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि उसमें भी कंपनी ने साफ साफ लिख रखा है कि दैट कैन बियर ओनली अ वेट ऑफ 7 kg एंड दैट इज़ गुड फॉर अ प्लास्टिक टॉप बॉक्स। मे बी आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग टॉप प्लेट को स्क्रू करने के लिए यहाँ पे आपको ड्रिल्स करवाने पड़े, आई डोंट नो, कंपनी बोलती है कि ये टॉप बॉक्स जो होते हैं प्लास्टिक वाले वो बियर कर सकती है। दिस इज़ एब्सोल्युटली बिल्ड फॉर द सॉफ्ट लगेज दैट इज़ द बैग ऑफ एनी ब्रांड एंड द प्लास्टिक टॉप बॉक्स ऑफ एनी ब्रांड। आई एम थिंकिंग टू मेक अबाउट द पैनियर्स एंड द सॉफ्ट लगेज विच इज़ द सैडल बैग्स
आपको पैनल्स लेने चाहिए या फिर सडल बैग लेने चाहिए, उस प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है वो भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो, और बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू। एंड बाइक थोड़ी सी गंदी हो रखी है तो इसको वॉश करवाने की भी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, क्योंकि जब राइड पे निकलना पड़ेगा तो अच्छे से इसको सर्विस, एक्चुअली सर्विस हो चुकी है, छोटे मोटे इसमें काम है एंड छोटी मोटी प्रिपरेशंस और बाकी हैं जो मुझे करना है, एंड आफ्टर दैट आई विल बी गुड टू गो।